मरलिना मैडम टहलने गई पीडब्ल्यूडी के उस पर, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर हैं। अच्छा, एक बात और है जो ध्यान देने वाली है कि इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मैं उक्त उक्त जगह पर घूमने गया और वहाँ पर मैंने देखा कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, और वहाँ शेल्टर वेल्टर ठीक लगा। उन्होंने कहा कि भाई हमने मैंने वहाँ पर देखा, शेल्टर हमारी सरकार ठीक लगा रही है। लेकिन सरकार ठीक काम कर रही है, यानी कि अधिकारी ठीक काम कर रहा है, कर्मचारी ठीक काम कर रहा है। अब कर्मचारी ठीक काम कर रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। रिवर्स मारते हुए आतिशी मैडम एक कैंप में घूमने गई। जरा जरा उनको सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहली बात जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एक माइक लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज जितनी क्लियर आ रही है, बगल वाले व्यक्ति जो बोल रहे हैं, जो एसडीएम साहब बोल रहे हैं, उनकी आवाज उतनी क्लियर नहीं। इसका मतलब माइक एकदम उनके पास लगा हुआ है, वो वायरलेस माइक लगाए हुए हैं, यानी कि वो वहां पर गई हैं रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से। ऐसा लग रहा है कि वो स्पेशली रिकॉर्डिंग करने गई हैं कि वायरल किया जाएगा, पहले से तैयारी। और आम आदमी पार्टी के लोग नाटक करने में तो आप जानते हैं कितने पास हैं। आपने वो तो देखा ही होगा जो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास और ये सब एक भाषण दे रहे हैं, और भाषण वो रिकॉर्ड हो गया टीवी पर, टीवी बगल में रखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, कुमार विश्वास दो तीन बार ट्राई कर रहे हैं। ये शुरू शुरू की बात, सरकार नहीं बनी थी तब आंदोलन चल रहा था कि भाषण कैसे दिया जाएगा भाई, अच्छा कैसे जाओगे। तो ये तो इन कामों में नाटक करने में नंबर एक। आतिशी मरलिना ऐसा लग रहा है कि वो नाटक के लिए तैयारी करके आई हैं कि कैसे ये सिद्ध किया जाए कि सरकार काम नहीं, सरकार काम करना चाहती है लेकिन जो कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर एलजी के पास है, उनके पास है नहीं। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो 3 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हेड तो करते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रिवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर उनको नहीं दी गई, उनकी पावर को कहीं गड़ापचे में बांध कर दिया गया है, जिससे वो चल नहीं पा रहे। तो वो ये बात सामने आई। दूसरी बात आती, मतलब जो वीडियो 3 मिनट 43 सेकंड का है, वो मैं 7वें इसमें चलाने वाला हूँ, आप उसको सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में क्या चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और उसको बताएंगे। तो आप 4 दिन से क्या कर रहे हैं? हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है? रोज शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देते हैं ऑल इज ओके, ऑल इज ओके, ऑल इज ओके। क्या अरेंजमेंट किया आपने? यहाँ पे कहाँ है पंखे, कहाँ है लाइट, कहाँ है टॉयलेट? कितने कितने यहाँ पे, अगर लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे टॉयलेट और पानी और खाने का अरेंजमेंट क्यों नहीं है? यहाँ पे खाने वाने का इंतजाम ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, खाने वगैरह का इंतजाम। अब आपने इसमें देखा कि कैसे इन्होंने पहले तो एक भाषण दिया एक 10 सेकंड 15 सेकंड का, और फिर कहा कि यहाँ टॉयलेट क्यों नहीं है, यहाँ पर पंखे क्यों नहीं है, यहाँ पर एसडीएम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमने टॉयलेट बनाए हैं, तो वो कह रही रहे यहाँ रहे, यहाँ टॉयलेट क्यों नहीं बनाए। अब आप सोचो कि जहाँ पर ये फ्लड की रिलीफ मिल रही है, टॉयलेट वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, बोले पानी यहाँ क्यों नहीं, तो टैंकर वहाँ खड़ा किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि टैंकर वहाँ दूर खड़े हुए हैं, टॉयलेट हमने थोड़ा दूर वहाँ पर बनाए हुए हैं, तो वो कह रही यहाँ पर क्यों नहीं बनाए, यहाँ लोग रह रहे हैं यहाँ। आप कोई लॉजिक समझ सकते हैं इस बात का कि भाई ये जो बात है वो यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ रह रहे। अब ये कहने की केवल बात है, अब ओपन जो स्थान बना हुआ है, पन्नियाँ डाली हुई हैं, वहाँ पंखे क्यों नहीं लगाए गए हैं? आप सोचिए कि वहां एकदम अचानक पंखे लगने चाहिए थे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं देखो मैं पंखे टॉयलेट और ये वो सब देख कर आया हूं। अब इतनी बात ये ओपन जो पड़ा हुआ है यहां की है, जहां से जो सरकारी कर्मचारी है या जो मशीनरी है उसने किसी स्कूल या किसी स्थान पर व्यवस्था प्रॉपर कर रखी है जहां पर पंखे शंखे लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से लोग जा नहीं रहे, यहीं पर लोग टिके हुए हैं, मैं क्या करूँ? तो कह रही है कि वो टिके हुए जहां लोग रहेंगे वहीं लगाइए। वो कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था करी हुई है सब स्कूलों वगैरह में, और जो धर्मशालाएं खुली हो, जो जो और सरकारी बिल्डिंगें हैं उसमें व्यवस्था कर रखी है पूरी, ये लोग जाएं वहां पर सब व्यवस्था है, इनसे कहा जा रहा है कि वहां शिफ्ट करो, अब ये शिफ्ट नहीं कर रहे। आगे सुनिए। तो यहाँ पे आपने अरेंजमेंट क्या किया है फिर? ये इसका कैंप मैडम उधर ही लगाया हुआ है। 4 टेंट है, लोग तो इतने सारे हैं यहाँ पे। टॉयलेट का अरेंजमेंट कहाँ है? पानी का अरेंजमेंट कहाँ है? खाने का अरेंजमेंट कहाँ है? 2 मिनट में हमने यहाँ पे लोगों से बात करी कि आप शिफ्ट कर जाइए, अभी लोग तैयार हो गए हैं शिफ्ट करने के लिए। हम लोग
बुलंद मस्जिद स्कूल में आईडेंटिफाई करके हम लोगों ने कल दो बार मैं डीएम सर के साथ यहां पे आया था। आप उनसे बात करिए, आप उन्हें कहिए कि भाई एक इंसान यहां पे सिर्फ, क्योंकि आपको उनका भी तो डर समझना पड़ेगा। बोला कि दो तीन आदमी अपने सामान के साथ यहां रहो, लेडीज और बच्चों को कम से कम वहां शिफ्ट कीजिए, वो स्कूल एक बिल्डिंग कहां पे है। अब देखिए, जब ये इन्होंने एसडीएम साहब बता रहे हैं कि हमने उनसे कहा हुआ कि भाई एक आध लोग यहाँ पर रहिए, बाकी बच्चे लेडीज वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो इनको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत चल दी। और कह रही है भाई उनका डर समझना पड़ेगा, डर तो बात ठीक है समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमने कैंप बनाए हुए हैं, तो कह रही यहाँ इतने सारे लोग हैं और वहाँ कैंप तो आपने चार बना रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको स्कूलों में, वो मस्जिद कैंप कोई बना रही, कोई कोई स्कूल बना रखा है वहाँ पर बना रखे हैं, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था थोड़ी दूर कैंप बनाकर किया और ओपन कैंप भी बनाए हुए, ये लोग सड़क पर रह रहे हैं, हमने कैंप बनाए वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर कुछ लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग वो स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं। अब इनको समझ में नहीं आया, आगे चल दिए। अब फिर से सुनिए क्या कहती हैं। और देखो, एक चीज़ आपने और ध्यान दिया होगा कि वो महिला एक, जिससे वो अभी पूछ रही थी पीछे कि तुमको खाना पानी सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा हाँ ठीक मिल रहा। फिर दोबारा पूछा ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हाँ ठीक मिला। जब उसने कहा कि हमें खाने पानी की व्यवस्था हो गई है, तो फिर वहीं से वीडियो कट होता है और दूसरा वीडियो यहाँ से जोड़ा जा रहा है। ये सिस्टमेटिक तरीके से काट पीट के 3 मिनट 43 सेकंड का वीडियो बनाया जा रहा है, आगे सुनिए। यहाँ पे अगर लोग नहीं तैयार हैं, आप कम से कम पानी और टॉयलेट का तो अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ है बताइए। बताइए, अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर बहुत गंदा हो जाएगा, हमने साइड में लगा रखे हैं, यहाँ पर पानी अगर खोल देंगे या टॉयलेट बना देंगे तो सब गंदा हो जाएगा। अब ये टॉयलेट देखने चली गई। अब आप सोचो कि पब्लिक टॉयलेट जो ओपन डिस्ट्रीब्यूट जो वैसे बने होते हैं स्वचालित चालित वाले, उनमें कितनी सफाई की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। फिर भी देखिए, हाँ जी एसडीएम साहब, देखिए इतनी गंदगी, बताइए टॉयलेट को यूज कर सकता है तो जो इनफेक्ट। अब ये तो काम एमसीडी का है, एमसीडी में तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का चक्कर नहीं है। ये जो टॉयलेट बनाना और ये है, ये सब एमसीडी का काम है। एसडीएम साहब साफ करेंगे क्या? एसडीएम साहब का काम है साफ करना, ये तो एमसीडी का काम है। उनको एमसीडी से कहना चाहिए, एमसीडी के मेयर से कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो जो लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं उनको सफाई रखें। ये दिल्ली सरकार का काम तो है नहीं, और दिल्ली सरकार का एसडीएम या एडीएम या डीएम तो करेगा नहीं, लेकिन उनको कहना है इसलिए कह दिया। एमसीडी को कैसे टोके इसे अभी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे काफी अभी आपके यहाँ इतनी मक्खियां बैठी हुई हैं, तो इन्फेक्शन कम कैसे होंगी। हाँ जी एसडीएम साहब कहाँ हैं? हाँ जी एसडीएम साहब कहाँ हैं? हाँ जी सर, आप आए हैं वैसे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में? आपको ये नहीं लगता कि जो यहाँ पे मक्खियों की बौछार है, इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए? बताइए क्या। अब देखिए यहाँ कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर की व्यवस्था हो रखी है। वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तो वही चलाती हैं, और मोहल्ला क्लिनिक मतलब वहाँ वो जो मनीष सिसोदिया बना गए होंगे या सत्येंद्र जैन बना गए होंगे मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहे हैं उसमें कौन कौन करेगा, वही कर रहे होंगे डॉक्टर। चलो डॉक्टर बैठ गए तो अब यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, तो एसडीएम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मक्खियाँ हैं वो तो साहब एमसीडी का काम है, वो फॉगिंग करें, तो भूल गई वो आ गए। क्योंकि एमसीडी का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, एमसीडी एक्सक्लूसिव राइट रखती है, दिल्ली सरकार के ये हैं, तो इनको ये सिद्ध करना है कि ये जो अधिकारी यहाँ पर हैं जिनका अपॉइंटमेंट है वो ठीक काम नहीं कर रहे, जबकि उस व्यक्ति के पास एक एक सवाल का जवाब है और वो देता जा रहा है। देखिए ये तो बस का बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, आप पंखे लगा देंगे मक्खियाँ चली जाएंगी। आपको 4 दिन लग गए सोचने में कि यहाँ पे पंखे होने चाहिए। अब आप सोचिए कि ये जो कह रही हैं कि यहाँ 4 दिन लग गए पंखे होने चाहिए, जब वो कह रहे हैं कि साहब एमसीडी का काम है, एमसीडी से बोला हुआ है कि यहाँ पर फॉगिंग करवा दीजिए, तो वो पंखे के पीछे पड़ गए, क्योंकि एसडीएम पंखे लगवाएगा। अब रिलीफ कैंप जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ हर व्यक्ति के सर पर तो पंखा नहीं लगाया जा सकता, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं पंखा लगवाता हूँ। मैडम कह रहे हैं आप कब आते हैं? बोले रोज आते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले रोज इनको व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर जो दवा पानी का व्यवस्था है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पंखे क्यों नहीं लगे, यहाँ 4 मक्खियाँ क्यों बैठी हुई हैं? आप सोचो फ्लड आया हुआ है, अभी ये जब चला जाएगा तो दिल्ली में डेंगू फैलेगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में लगभग हर वर्ष डेंगू या डेंगी ऐसा कोई फीवर आता है इन्हीं दिनों में, क्योंकि
दिल्ली में जमुना का पानी इतना गंदा है, जमुना के वेटलैंड में पानी भर जाता है, दिल्ली में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली गंदी हो जाती है, और फिर जब जैसे ही पानी सूखना शुरू होता है तो मच्छर मक्खी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अभी उनकी समस्या तो आने वाली है, अभी तो वो आई ही नहीं है, वो समस्या आने वाली है। आज ये चार मक्खियों के लिए कह रही पंखा लगाओ, लेकिन MCD के लिए नहीं कह रही कि मैं MCD से बोल देती हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन MCD का नाम जैसे ही आता है वैसे ही घूम लेती हैं। वहाँ पर भी पीछे भी MCD का नंबर जैसे आया था कि लैट्रिन कौन साफ करवाएगा, वह MCD करवाएगी, तो वैसे ही इनका SDM करवाएगा। आप सोचो इनका क्या मानसिकता है। आगे सुनिए। देखिए ये ना एटीट्यूड ठीक नहीं है। लगातार दिन आने आपके आने से क्या फायदा अगर ये अरेंजमेंट है? हमने भी यहाँ पे कब वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो फर्स्ट ईयर को मैं भी आज मैंने शुरू कर दिया। हाँ जी, आज से मेरा हर डिपार्टमेंट भी चेक कर रहे हैं। अभी हाँ जी, 10 मिनट होते हैं गवर्नमेंट के भेंट कर रही थी, हमने से बोला नहीं थी, आज से हमने ऐसा लगा दिया। डॉक्टर्स आए हुए, पूरा स्टाफ आया हुआ। कब से आ रहे हैं? आज सुबह से। यहाँ पे जानवर कब से हैं? जानवर तो सही से नहीं है। कितने दिन से जानवर हैं यहाँ पे? ये तो बहुत दिनों का बना हुआ है। नहीं, अभी यहाँ पे कितने दिन से? अभी तो मुझे आए हैं 4 दिन से। 4 दिन से यहाँ पे इतने पशु हैं, लेकिन आज आपने वेट को बुलाया है। इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन से अगर वो हरियाणा वालों ने हमें इन्फॉर्मेशन दे, अब ये कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अभी आज ही हमने सब व्यवस्था कर दी है, 3 दिन हो गए हैं लेकिन आज व्यवस्था कर दी है, तो इनकी समस्या ये है कि आज व्यवस्था क्यों की है, पहले 3 दिन पहले क्यों नहीं करवाई, ये कब से आना शुरू है। वो कह रहे हैं ये कैंप तो बहुत पहले से बने हुए हैं। अब इन कैंपों में वेटनरी डॉक्टर बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो इन्हीं की है। अब ये कह रहे हैं एमसीडी वाले सामने खड़े हैं, वहाँ पर एमसीडी साथ में चल रही है, सोचो। लेकिन जब टॉयलेट की बात आई थी तो एमसीडी से उन्होंने नहीं कहा, जब वहाँ पर फॉगिंग की बात आई तो एमसीडी के किसी अधिकारी से नहीं कहा। एमसीडी के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब हमने अपना कैंप लगा दिया है, SDM साहब कह रहे हैं हमने अपना कैंप लगा दिया, MCD कह रही है साहब इन्होंने नहीं किया, हम कर रहे हैं। अब देखिए ये सामने सामने बात आ गई, अब ये सारी जिम्मेदारी जबरदस्ती किसी व्यक्ति को जलील करने वाली चल रही है। जी पानी छूट गया अतनी कुंड से, हम गए जी हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारा काम है लोगों को हटाना, हमारा काम है लोगों को अरेंजमेंट करना, हमारा काम ये नहीं है कि हमने इन्फॉर्म कर दी। अब सरकारी कर्मचारी यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब हमने तो उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर आप आइए, मेडिकल डिपार्टमेंट को आप आइए और यहाँ जानवर हैं, इन जानवरों की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, इन जानवरों के इलाज पानी की व्यवस्था करिए। ये उन्होंने साहब सुना नहीं, इसमें SDM की क्या गलती है? अब वो SDM की तो गलती नहीं, ये तो वेटनरी डिपार्टमेंट आपका भी है और MCD का भी है, वो कर सकते हैं। MCD आज क्यों आई? वो MCD के वाले कह रहे हैं कि हमने साहब आज लगा दिया, तो MCD वाले आज क्यों आए? MCD वाले पहले नहीं आ सकते थे क्या? लेकिन ये जो खेल चल रहा है, ये चूंकि दूसरा ही खेल चल रहा है, इसके पीछे का खेल ही लंबा है, इसलिए ये सिद्ध करने के उद्देश्य से, जलील करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें सिर्फ एक बात सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इतनी गंदी पॉलिटिक्स मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।